अलैकुम व्हाट्सअप के आर्मी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत से भी ज़्यादा बढ़िया होंगे। हाजिर पेश करते हैं आपके सामने न्यू वीडियो के साथ। जब से मैच स्टार्ट हुआ है तब से शायकीन और लोग और बाकी सब कहते हैं कि मतलब मैच की बात करो, पाकिस्तान के मैच की बात करो, पाकिस्तान इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो पाकिस्तान के अलावा और टिकटॉक की बात तो मतलब करते ही करते हैं, बट पाकिस्तान की बात करी जाए, पाकिस्तान इतना बेस्ट परफॉर्म कर रही है, पाकिस्तान ये कर रही है, वो मतलब एंड कर दिया पाकिस्तान ने। तो हम आज पाकिस्तान के हाईलाइट्स के ऊपर तो रिएक्शन कर ही रहे हैं, बट अब्बर आज हम जो रिएक्शन करने वाले हैं शाहिद अफरीदी टॉकिंग अबाउट ऑन आसिफ अली फॉर सिक्सेस। मतलब शाहिद अफरीदी साहब का आसिफ अली साहब के बारे में क्या कहना है। आसिफ अली ने दोनों मैचों में लगातार, एक न्यूजीलैंड वाला हो गया, दूसरा मतलब एंड टाइम पे आकर जो शाहिद अफरीदी साहब काम किया करते थे, शाहिद अफरीदी का इतना बड़ा नाम था, वो काम अब पीढ़ी दर पीढ़ी चले आसिफ साहब ने संभाल लिया है। ऐसे ही कुछ लोग मुझे आगे कह रहे थे कि ऐसे ही हाँ आसिफ साहब ने वो आकर काम संभाल लिया है। सो अब शाहिद अफरीदी साहब जो संभालते थे अब आसिफ साहब ने संभाला है। सो हम यहाँ पर शाहिद अफरीदी की वीडियो देखेंगे, शाहिद अफरीदी टॉकिंग अबाउट आसिफ अली। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो सो मस्ट एवरी पर्सन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और व्लॉग वाले चैनल को भी आज आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फ्राइडे फिराव दे दी मैं समझ बेगिन वीडियो इज हियर। सर कैसा लगा गेम, कैसे अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको लगा कि शाहिद अफरीदी खेल रहे हैं? यार अल्हम्दुलिल्लाह मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ है, अफगानिस्तान ने भी बड़ी अच्छी फाइट बैक की है, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बाबर की इनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, शुएब मलिक का एक जो छक्का था राइट टाइम पर वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और आसिफ अली। सर आपको लगा कि आज शाहिद अफरीदी खड़े हैं उधर? शाहिद अफरीदी से ज्यादा अच्छे खेल रहे हैं। अरे सर क्या लग रहा है, फाइनल किसे पड़ सकता है हमारा? यार अभी तो शुरू हुआ है, इंशाल्लाह सेमीफाइनल है, देन अभी सफर है, लेकिन जिस कॉम्बिनेशन और जिस एफर्ट और जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ पाकिस्तान टीम खेल रही है वो मजा आ रहा है। सर दोबारा अगर इंडिया से फाइनल पड़ा घबराने की जरूरत तो नहीं है? घबराने की कभी भी जरूरत नहीं है। थैंक यू। घबराने की जरूरत नहीं है। शाहिद अफरीदी जिनका ये मानना है कि आज आसिफ अली शाहिद अफरीदी से भी अच्छा खेले। थैंक यू यार, ये होना चाहिए यार, ये लाला की गाड़ी है। क्या गाड़ी है यार, ये तो मेरी मनपसंद गाड़ी है, माय फेवरेट कार, हाउज दैट। सो ओके, हमारे यहाँ पर वीडियो ख़त्म हो। आप लाला भाई ने तो डरा दिया किसी से मुकाबला, घबराने की क्या ज़रूरत है, मतलब एक तरीके से दिल पे वो थोड़ा लग। खैर लाला भाई तो लाला है, मतलब मैं भी अपने ज़माने में जब क्रिकेट देखा करता था तो जब शाहिद अफरीदी आते थे ना, मतलब मैं क्या पूरी दुनिया घर बोल यार, या तो आर या तो प्यार, मतलब वो या तो आर हो जाता था मामला या प्यार हो जाता था, कुछ समझ में नहीं आता था। सो लाला की बात। खैर मज़ेदार जवाब दिया उन्होंने आसिफ अली, तो आसिफ मतलब बहुत कमाल कर रहा है यार। मतलब मैं बोलता हूँ एंड में आकर जो 4-5 ओवर का गेम होता है, सारा गेम उसी के ऊपर कन्वर्ट होता है कि 4-5 ओवर में क्या हो पाता है। 4-5 ओवर में जिस बंदे ने कर दिया ना, वो कमाल कर दिया। 2 मैच इसने बहुत कमाल खेले हैं। आप लोग क्या कहते हैं, आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही आप क्या कहते हैं, आप बल्कि पब्लिक डिमांड कर रही है कि साहब रिएक्शन करो फटाफट से जो नई चीज़ें आ रही हैं उनके ऊपर। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।